नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। प्रिथला से विधायक नयनपाल रावत ने 3 गांव में 1.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में बैठे किसानों को आम लोगों की जन समस्या को देखते हुए सड़कों को अब खाली कर देना चाहिए, क्योंकि ये जायज नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 कानूनों पर रोक लगा दी है और केंद्र सरकार ने भी इन कानूनों को 1.5 साल तक के लिए होल्ड कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अब विकास कार्यों के लिए हरी झंडी दे दी है और आगामी 6 महीने में प्रिथला की सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो 3 गांव में विकास कार्यों को लेकर उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने बोला यहां की सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही उन्होंने किसानों से कहा कि अब उन्हें आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, सड़कें खाली कर देने चाहिए, क्योंकि लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा वैसे भी इन 3 कृषि कानूनों को होल्ड पर रखा गया है, अब तक फैसला आना अभी बाकी है। ऐसे में अब किसानों को आम जनता के बारे में भी सोचना चाहिए। फरीदाबाद में जेजेपी कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष रविनंदन सावंगाउन का फूल मालाओं और पगड़ी भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने जेजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के अंदर जेजेपी सबसे ज्यादा युवाओं को जोड़ने वाली इकलौती पार्टी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ना, जिसके लिए प्रत्येक जिले में युवाओं के साथ संपर्क किया जा रहा है। इसी के साथ फरीदाबाद सेक्टर में साई धाम सोसाइटी में गरीब परिवार के 8 जोड़ों की शादी कराई गई। साई धाम के चेयरमैन मोतीलाल गुप्ता ने बताया कि वो हर साल ऐसे ही गरीब परिवारों की बच्चियों की शादी कराते हैं। ये ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों की शादी करवाने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे लोगों को उनकी संस्था उन परिवारों से मिलकर उनका रजिस्ट्रेशन कराती है और उनकी साई धाम में शादी कराई जाती है। मोतीलाल गुप्ता ने बताया कि अभी कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए 8 जोड़ों की शादी करवाई गई, नहीं तो पहले 21 जोड़े हर साल शादी के बंधन में बनते थे। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सभी दूल्हे दुल्हन को मास्क के साथ ही विधि विधान के साथ ये पूरी शादी संपन्न कराई गई। तो फिलहाल कम जोड़े यहां पर देखे गए, क्योंकि कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। इससे पहले ये संस्था कई जोड़ों की शादी कराती थी। आपको बता दें, इस ये संस्था ऐसे लोगों की शादी कराती है जो अपनी शादी में असमर्थ हैं, जो गरीब परिवार है। कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये शादी कराई गई। गरीब परिवार के 8 जोड़ों की ये शादी कराई गई। फरीदाबाद में देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट। रेलवे प्रशासन ने दैनिक यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया। ये ट्रेनें पलवल से गाजियाबाद और पलवल के लिए शुरू की गई है। दैनिक यात्रियों के लिए शुरू की गई इन ट्रेनों में केवल टिकट लेकर ही यात्रा की जा सकती है। उसके लिए रेलवे की तरफ से सभी स्टेशन पर टिकट काउंटर खोल दिए गए हैं। बता दें कि इस रूट पर 40 EMU ट्रेनें चलती थी, लेकिन कोरोना के बीच पिछले 11 महीने से इन ट्रेनों को नहीं चलाया गया। अब रेलवे प्रशासन ने सुबह और शाम 2 ट्रेनें चलाने का फैसला लिया। इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को स्पेशल ट्रेन के बराबर किराया देना होगा, यानी कि EMU में लगने वाले किराए का 3 गुना भार यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। तो एक तरफ यात्रियों के लिए सुविधाओं का समय है, क्योंकि ट्रेन न चलने से यात्रियों को दूसरे वाहनों का सहारा लेकर ज्यादा किराया देना पड़ता था। अब ट्रेनें चलने से यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं हो गई है। आपको बता दें, कोरोना की वजह से
कई समय से ट्रेनें बंद थी, जिसके बाद अब दोबारा जिंदगी पटरी पर लौट रही हैं। के चलते पिछले 11 महीने से बंद ईएमयू ट्रेन का आज से संचालन रेलवे की तरफ से शुरू कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो ये फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन है, जहां आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहां ट्रेन खड़ी हुई है और जो ईएमयू ट्रेन है उसको स्पेशल ट्रेन का दर्जा देते हुए रेलवे प्रशासन की तरफ से चालू किया गया है। हालाँकि इस ट्रैक पर 40 ईएमयू रोजाना आवाजाही उनकी होती थी, लेकिन अभी फिलहाल 2 ट्रेनों का संचालन आज से शुरू किया गया है, जो सुबह पलवल से गाजियाबाद के लिए एक ट्रेन चलेगी, जिसका वक्त 6 बजे से और गाजियाबाद पहुंचने का 8:30 बजे का वक्त है। इसी तरह से एक ट्रेन शाम के वक्त 2:30 बजे सकूर बस्ती से चलकर पलवल पहुंचेगी। जो 2:30 बजे सकूर बस्ती से पलवल के लिए निकलेगी वो करीब 5:45 बजे पलवल पहुंचेगी। तो जो दैनिक यात्री हैं वो अब तक पिछले काफ़ी दिनों से दूसरे अन्य साधनों से अपनी ड्यूटी पर दिल्ली या गाजियाबाद या अन्य तमाम जगह पर पहुँच रहे थे, फरीदाबाद की भी बात करें तो यहाँ तक, लेकिन अब उन्हें ये 2 ट्रेन रेलवे प्रशासन की तरफ से दी गई हैं। हालांकि जिस तरह से 40 ईएमयू ट्रेनें अब तक चलती थी, तो कहीं ना कहीं ये ऊँट के मुँह में जीरे जैसी वाली बात दैनिक यात्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके पीछे वजह ये कि अगर 40 ट्रेनें पहले चलती थी तो वो भी पूरी तरह से भरकर यात्रियों से ट्रेन चलती थी, लेकिन अब 2 ट्रेनें चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ में इन ट्रेनों में अब दैनिक यात्रियों को जेब पर भी भार पड़ता हुआ दिखाई देगा, चूँकि जो ईएमयू का किराया था वो उसे 3 गुना बढ़ाकर स्पेशल ट्रेन के हिसाब से किराया उनसे वसूला जाएगा। इसके साथ साथ जो रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है उसमें साफ किया गया है कि अब केवल टिकट से ही लोग उसमें यात्रा कर सकते हैं। जो मासिक पास ईएमयू के हुआ करते थे वो मासिक पास इसमें मान्य नहीं होंगे। आने वाले वक्त में इन ट्रेनों का जब संख्या को बढ़ाया जाएगा और बाकी ट्रेनों को इस पर चलाया जाएगा उसके मुताबिक फिर किराया तय किया जाएगा, लेकिन फिलहाल लोगों की जेब पर भार जरूर पड़ेगा, चूँकि उन्हें 3 गुना किराया देकर ही इस ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं लोग। और इसके साथ साथ में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका फॉलो करना भी इन ट्रेन में बैठते हुए ज़रूरी होगा। मास्क पहनकर ही आप इस ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि दैनिक यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन की तरफ से थोड़ी सुविधा तो ज़रूर दी गई है, लेकिन अभी भी लोगों को जिस तरह से अपनी ड्यूटी पर जाना था तो कहीं ना कहीं अन्य साधनों को वो यूज करते थे, अब उन्हें थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी लोहा मंडी कही जाने वाली फरीदाबाद की नेहरू ग्राउंड मंडी में मंडी पूरी तरह से बदहाल स्थिति में है। करोड़ों का रोजगार व्यापार इस लोहा मंडी से होता है, लेकिन यहां से 500 मीटर की दूरी पर बैठे निगम के अधिकारियों को मंडी की बदहाली नजर नहीं आती। नेहरू ग्राउंड स्थित लोहा मंडी का ये पार्क है, जहाँ पार्क के अलावा सब कुछ दिखाई देगा। पूरी तरह से पार्क पर कब्जा हो चुका है, लोगों ने अपने गाड़ियों को यहां पर खड़ा करना शुरू कर दिया है। निगम ने एक बार यहां बाउंड्री लगाई थी, लेकिन अब वो केवल एक ही हिस्से में बाउंड्री दिखाई देती है, बाकी सभी बाउंड्री पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आयरन इंडस्ट्री एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष संदीप सिंघल का कहना है कि कई बार उन्होंने निगम के अधिकारियों से इस पार्क की दिशा सुधारने के लिए कहा, लेकिन निगम अधिकारी बजट का रोना रोकर बस मना कर देते हैं। संदीप सिंघल का कहना है कि जो मंडी से राजस्व जाता है उसी का कुछ परसेंटेज अगर इस पार्क में लगा दिया जाए तो ये पार्क ठीक हो सकता है। तो पार्क तो है, लेकिन पार्क नजर नहीं आता, क्योंकि यहां पर गंदगी का अंबार है। करोड़ों का रोजगार व्यापार इस लोहा मंडी से आता है, बावजूद इसके यहाँ की हालत में कोई सुधार नहीं आया। 500 मीटर की दूरी पर बैठे निगम के अधिकारी को मंडी की बदहाली के बारे में कुछ दिखाई नहीं देता। नेहरू ग्राउंड स्थित लोहा मंडी का ये पार्क है, जहाँ पार्क के अलावा और सब कुछ नजर आता है। पूरी तरह ये पार्क पर कब्जा हो चुका है, लोगों ने अपने गाड़ियों को यहाँ खड़ा करना शुरू कर दिया है। निगम ने कई बार बाउंड्री वॉल लगाई, लेकिन अब बाउंड्री वॉल सिर्फ एक हिस्से में नजर आती है, बाकी सभी तरह की बाउंड्री वॉल खत्म हो चुकी है। आयरन इंडस्ट्री एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष संदीप सिंघल का कहना है कि कई बार उन्होंने इसके बारे में अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अधिकारी हैं
कि इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते, हर बार बजट का रोना रोकर मना कर दिया जाता है। संदीप ने कहा कि मंडी में राजस्व जाता है और उसी का अगर कुछ परसेंटेज भी इस पार्क में लगा दिया जाए तो इस पार्क की हालत में सुधार देखा जा सकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पार्क की हालत किस कदर बिगड़ चुकी है। यहां पर जगह जगह वाहन खड़े हुए हैं और गंदगी का अंबार है। वल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी के गोची मोहल्ले में पिछले 15 दिनों से नगर निगम की पीने की पानी की सप्लाई गंदा पानी आ रहा है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को भी कई बार शिकायत की लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ। पीने के पानी में मिट्टी और गंदगी से भरा हुआ होता है और लोग ऐसे ही पानी में जरूरी काम भी करते हैं। इतना ही नहीं, इस गंदे पानी के इस्तेमाल करने से वो बीमार भी हो रहे हैं। स्थानीय लोग अपनी समस्या को लेकर नगर निगम वल्लभगढ़ जॉइंट कमिश्नर दिनेश कुमार के पास भी पहुंचे और उन्होंने उनसे काफी खरी खोटी भी सुनाई, जिसके बाद जॉइंट कमिश्नर दिनेश कुमार ने उन्हें जल्द से जल्द समस्या का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि समस्या जल्द दूर हो जाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार निगम अधिकारियों से इसकी शिकायत की लेकिन केवल मिला तो सिर्फ भरोसा। अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है जिससे काफी परेशानियां हो रही है। आप देख सकते हैं पीने के पानी में मिट्टी आ रही है। ये गंदा पानी न सिर्फ हमें बीमार करेगा बल्कि अब स्थानीय लोग इसी गंदे पानी से कपड़े और बाकी जरूरी काम भी कर रहे हैं। स्थानीय लोग वहां पर नगर निगम में पहुंचे और ये गंदा पानी दिखाया। इसके साथ ही नाराजगी जताते हुए उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद कमिश्नर ने उन्हें कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि स्थानीय लोगों को कब इस परेशानी से निजात मिलेगी। फरीदाबाद में कार के अंदर जिम ट्रेनर और स्कूल टीचर की हत्या कर दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि आरोपी प्रकाश और मृतका पहले दोस्त थे लेकिन इस बीच उसने प्रकाश से दोस्ती तोड़ दी थी और जिम ट्रेनर से उसकी दोस्ती बढ़ गई थी। इस बात से नाराज प्रकाश दोनों की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने अब पूरे मामले में आरोपी को धर दबोचा। तो फरीदाबाद का ये पूरा मामला जहां पर कार के अंदर जिम ट्रेनर और स्कूल टीचर की हत्या कर दोहरा हत्याकांड किया गया था, पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि पुरानी रंजिश के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि प्रकाश और मृतका पहले से दोस्त थे लेकिन इस बीच उसने प्रकाश से अपनी दोस्ती तोड़ ली और जिम ट्रेनर से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी। ये बात प्रकाश को नागवार गुजरी और प्रकाश ने दोनों की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने अब इस पूरे मामले में सभी आरोपियों को धर दबोचा। फरीदाबाद के भैसलावली गांव में घर में सो रहे मां और बेटे पर दो नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने पहले मां को बेहोशी की दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया और उसके बाद बच्चे की गला घोटकर हत्या कर दी। थोड़ी देर में जब बच्चे की मां को होश आया तो उसने देखा कि उसका 11 साल का मासूम बेटा बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। इसके बाद गांव के लोगों ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। क्या पुरानी रंजिश थी या कोई और वजह, क्यों एक मासूम को मार दिया गया? कई लोगों के जहन में ये सवाल है। इस पूरी वारदात से
हर कोई सन्न है। वहीं पूरी वारदात के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है। बदमाशों ने पहले मां को बेहोशी की दवा पिलाई और उसके बाद जब वो बेहोश हो गई उसके छोटे बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई। थोड़ी देर में जब मां को होश आया तो उसने देखा कि उसका 11 साल का मासूम बेटा बेसुध हालत में है, जिसके बाद गांव के लोगों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित के बयान के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आसपास के लोगों को सूचना मिलते ही घर पर लोगों का जमावड़ा लग गया। हर कोई बस यही जानना चाहता था कि आखिर इस वारदात को अंजाम किसने दिया। वो नकाबपोश की महिला के साथ आखिर क्या दुश्मनी थी, क्यों एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई। तो फरीदाबाद का ये पूरा मामला है जहां पर एक नकाबपोश बदमाश पहले कॉलोनी के अंदर घुसता है, मां को बेहोश करता है और उसके 11 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर वहां से फरार हो जाता है। फरीदाबाद मेट्रो में अब समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे।